बात आज से 50 साल पहले की है। 14 जुलाई 1972, 14 जुलाई 1972, मेरा बी का रिजल्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निकलने वाला था, जिसे देखने मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया हुआ था। वहाँ पर मुझे रिजल्ट का ज्ञात हुआ कि मैं 75% से अधिक अंकों से पास हो गया हूँ। इसलिए मैं खुश था और शाम की ट्रेन से जब गांव पहुंचा नदोई ग्राम, तो वहाँ पे उत्सव का माहौल था। देखा लोग खुशियाँ मना रहे थे, ढोल ढमाके बज रहे थे, गीत संगीत चल रहा था। मैंने सोचा मेरा रिजल्ट पहले यहाँ कैसे पहुँच गया, पर बाद में प्राप्त समाचार मिला कि आज मुझे 2 डिग्री मिली है। मैं बी के साथ साथ पिताश्री भी बन गया हूँ, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है। वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर। इनका जन्म ननिहाल में हुआ था, बरनी गांव में, मूल नक्षत्र में, इसलिए 3 महीने बाद मूल नक्षत्र की पूजा हुई, जिसमें हम लोग बरनी गांव गए, फिर आपका मुंह देखा गया। मूल नक्षत्र के बाद ही पिता अपने पुत्र का चेहरा देखते हैं। इसके बाद 3 साल तमाम झंझावात, परेशानियाँ, मुश्किलें आती रहीं, जिसका आपने समाधान डटकर किया, गांव में रह कर के उसका मुकाबला किया और 1975 में हम लोग भोपाल आए। आपको भाई लोग बहुत प्यार करते थे, आने नहीं दे रहे थे, लेकिन आपको भविष्य को देख करके आपको लाया गया। आपको याद है जब आप गांव से आए थे, आपको क लिखने के लिए गोला नहीं बनाने आता था, आपको 3 दिन से गोला बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, और फिर वहाँ से आपने अपनी शुरुआत की। माता पिता की बात आप मानते थे, जो माता पिता समझाते थे पढ़ाई से क्या लाभ है, उसको आप हृदय से लेते थे, और फिर तदनुसार आपने जहाँ भी प्रतियोगी परीक्षा पास की, एडमिशन के लिए, बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन के लिए, वहाँ आप सफल रहे, वहाँ आपका एडमिशन हुआ। इसके बाद बी में आप MSCET में एडमिशन प्राप्त कर सके, जो उस समय बहुत मुश्किल काम था। पूरे मध्य प्रदेश में केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसमें सबसे प्रसिद्ध MSCET था, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। उसमें आप सफल हुए, बहुत प्रसन्नता हुई, पूरे परिवार को, सभी लोगों को प्रसन्नता हुई। आपने बी पास किया, MTech पास किया। इस बीच नौकरी के लिए आपने जहाँ भी पब्लिक सेक्टर के लिए टेस्ट दिया, सब जगह आप सफल रहे, और अंत में विदेश संचार निगम में आपने नौकरी ज्वाइन की, क्योंकि वह उस समय भारत का सबसे उत्कृष्ट निगम था। इसके बाद इसका डिसमिस्ड हुआ और टाटा का हो गया। टाटा बिजनेस में आपने उत्तरोत्तर प्रगति की,
उच्च पद तक पहुँचे और आज आप अभी भी सेवा में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बड़े मेहनत से, लगन से। हम लोगों को आप पे गर्व है। हम लोग प्रसन्न होते हैं आपकी कर्मठता से, आपकी लगन से सेवा के प्रति। और आपको 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद हृदय से। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, दीर्घायु प्राप्त करें, जीवेत सदा सतम, स्वस्थ जीवन रहे हमेशा। और यही हम लोगों की कामना है, यही हम लोगों की इच्छा है, यही हम लोगों की शुभकामना है। हम लोग बहुत प्रसन्न होंगे, जहाँ भी रहेंगे हम लोग प्रसन्न रहेंगे और आपके उन्नति की कामना करते रहेंगे। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे उड्डू। मेरा नाम रोशन किया और करते रहना, खुश रहो, स्वस्थ रहो। आगे बढ़ो। मैं भृगुनाथ राय, पुत्र स्वर्गीय कैलाशपति राय, ग्राम लट्ठू भी, तहसील वृंदाबाद, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। 1975 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक करने के उपरांत मैं एमटेक कर रहा था। इसी बीच तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में अभियंताओं की वांट निकली, मैं भरा और उसमें नियुक्ति हो जाने के कारण एमटेक छोड़कर मैं नौकरी ज्वाइन कर लिया। लखनऊ में पहली नियुक्ति हुई थी, लेकिन आज से लगभग 27 वर्ष पूर्व वाराणसी जनपद में मेरी तैनाती थी। उस समय मेरी बड़ी बेटी नीता राय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए में अध्ययन कर रही थी। मैं उस समय उसकी शादी के लिए चारों तरफ प्रयासरत था और एक दो शादी पर मैं काफ़ी लगा था, जिसमें लास्ट में शादी नहीं तय हो पाई। इसी बीच मुझे पता चला कि वाराणसी के ही नदोई ग्राम के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो प्रोफेसर हैं भोपाल में, उनमें से फ़ोन से बात किया और सकारात्मक बात हुई। उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं भोपाल गया और उसके बाद शादी तय हुई, शादी की बात आगे बढ़ी। दो महीने बाद लड़का बॉम्बे में नियुक्त था। राजेंद्र पद्मावती का लाला ज्ञान प्रकाश बॉम्बे में नियुक्ति थी। वो छुट्टी पर भोपाल आए थे, उस समय मुझे बुलाया गया, मैं गया, लड़के से बात हुई, लोगों से सबसे बात हुई, घर परिवार से। और लड़के को देख कर, ज्ञान को देख कर ये आभास हुआ कि जिस प्रकार मेहंदी के हरी पत्तियों की हरितिमा में उसकी लालिमा छिपी रहती है, उसी प्रकार इस बालक को इसकी प्रतिभा छिपी हुई है और ये काफ़ी आगे बढ़ेगा। विधाता का विधान विचित्र है, वो शादी तय हो गई। फिर उसी बीच मेरा स्थानांतरण लखनऊ हो गया और शादी लखनऊ से तय संपन्न हो गई। उस समय मैं ज्ञान प्रकाश और उनके परिवार के संपर्क में आया और ये रिश्ता बना। आज हम ज्ञान प्रकाश जी के 50वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में
ये बातें कर रहे हैं तब से जो है काफ़ी ये आगे शादी के उपरांत ये काफ़ी आगे बढ़ते गए, उनकी प्रोन्नत होगी गई, ख्याति प्राप्त रही और आज तक ये जो लोग सब लोग सकुशल हैं मेरी बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये परिवार आगे बढ़ रहा है। और मेरी यही विनती है, प्रार्थना है ईश्वर से कि इनका जीवन कुशल पूर्वक संपन्न रहे और बाबा विश्वनाथ की कृपा छाए, कृपा इन लोगों पर बनी रहे। श्री ज्ञान प्रकाश सिंह के माता पिता भी दीर्घजीवी होंगे और इनका हाथ जो है बच्चों के सर पर लगा रहे, इसी शुभकामना के मेरी शुभकामना है। हेलो ज्ञान प्रकाश, हाउ आर यू? कंग्रेचुलेशंस ऑन योर 50th बर्थडे। आई होप यू एंड योर फैमिली मस्ट बी फाइन एंड एंजॉयिंग देयर। कन्वे माय बेस्ट विशेस टू डॉक्टर आर पी सिंह एंड मिसेस सिंह एंड ऑल्सो कन्वे माय लव टू डियर Sunny and Honey. Thank you very much. गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, बनाओ रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।
अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया हाय 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 कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रसबाला खुली जाए बंद अकल का ताला हैप्पी बर्थडे गुड्डू बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग से पहले मम्मी को तुम्हारा बर्थडे याद रहता था मम्मी का भी जुलाई में आता है और तुम्हारा भी जुलाई में आता है इसलिए हम लोगों को बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा बर्थडे हमेशा याद रहा और हम लोग हमारे पूरे परिवार की तरफ से तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएँ वंस अगेन हैप्पी बर्थडे हाय जीपी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मैन 50, 5, oh, big one. That reminds me that we are also probably close by somewhere. But I obviously think I'm 21, so long wait for me to go there. But really appreciate and heartfelt gratitude for being such an inspirational person in our life. It's the bond that we share, the family bond we share. Is outstanding. I think it's very unique. You are a complete man, and you inspire us by your actions. Less about words, but more about your actions, and the way you are available for friends, family, loved ones is exemplary. You know, me, Anu, Akash, Riya, all of us wish you a very happy birthday. I wish I was there on your birthday. But look forward to seeing you very soon. Take care, bye-bye, have fun all of you. Happy birthday, Jija ji. माना कि आपके केक पे बहुत सारी कैंडल सब जलने लगी है लेकिन फिर भी मेरी आपके लिए ये दुआ है प्यार से भरी जिंदगी मिले आपको खुशियों से भरे पल मिले आपको कभी किसी गम का सामना ना करना पड़े ऐसा आने वाला कल मिले आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पार्टी कब मिलेगी बहुत सारी पार्टीज ड्यू है Happy birthday, Poopa! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish you all happy birthday! Happy birthday! Okay, Kilana! दिन सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन I wish you happy happy birthday happy birthday happy happy birthday to you I wish you happy happy birthday happy birthday happy happy birthday to you I wish you happy happy birthday happy birthday happy happy birthday to you Hi Gyan, happy birthday, wishing you a great 50th birthday and many happy returns of the day. Hi Gyan, 50 साल के हो गए, wish you a very very happy birthday. In fact, कुछ दिन पहले जब नियति का मैसेज आया कि this is GP Singh's daughter, मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में, who GP Singh? हम तो तुम्हें हमेशा से आलू बुलाते थे. मुझे क्या बुलाते थे, मैं तुम पे छोड़ता हूँ बाकी सबको बताने के लिए. But, वाकई यार 50 साल 50 years, हाफ सेंचुरी क्रॉस कर गए. कर तो हम भी गए हैं लेकिन मुझे वो पुराने दिन ही याद आते हैं हॉस्टल के
क्योंकि जब हमें कुछ अच्छा खाना होता था तो इस भरोसे की आंटी हमें कुछ ना कुछ अच्छा खिलाएंगी, और वो खिलाती भी थी हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ में, तुरंत तुम्हारे घर आते थे। शायद वो हमारे कॉलेज के दिनों के मोस्ट मेमोरेबल डेज थे। बहुत सी मस्तियां करी हैं हम लोगों ने यार, बहुत साल हो गए मिले हुए, होप हम लोग जल्दी मिलेंगे। तुमने लाइफ में बहुत अच्छा किया है एंड यू आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड किड्स, सो विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। हे जी पी, मिस यू मैन, इज लॉन्ग टाइम पर्सनली मेट यू एंड टुडे इज योर बर्थडे, यू आर इन थॉट्स एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई विशेज टू यू। GP, I have cherished my association with you. The best days were Oshiwara and the VSB days. And remember the 10th floor? You, Kapil, Panse, Vijay, you know, all the wizards on the 10th floor of VSB, on the internet floor. And then came Shirna's period. Those were our golden era. Those moments, whenever I remember, it gives me a smile on my face. And when we used to return to Oshiwara colony in the evening, we were greeted with those tiny tots, right? And playing together, Stuti, Honey, they all had good time. Now these kids are grown up, we are getting older, man. Hey, GP, I want to tell you, you are a gem of a man. You are steady as a rock. You are calm as a moon, very soft-spoken and steady, intelligent like a wizard. And I tell you, overall, you are a true friend. You deserve the very best in life. From bottom of my heart, I wish you, and may God bless you with everything you imagine for yourself and your family. Bye, dear. Hello, GP uncle. Happy birthday. Happy birthday, uncle. Uncle, आपके बड़े मियाँ के पार्टी का इंतजार हो रहा है। अंकल आपके साथ वो सारी लॉन्ग ड्राइव्स, बड़े मियाँ, नासिक, हर वीकेंड वॉफल्स जब पापा मालदीव्स में थे, बेस्ट टाइम। अरे भैया, हमारी पार्टी कब हो रही? बाकी सभी तो ठीक है, इधर नालायक जो है ना सब ठीक है। 50 साल मुबारक हो, जल्दी जल्दी 75वीं साल पे पार्टी दो। हैप्पी बर्थडे जीपी भैया, 10 बज रहा है, चाय का वेट कर रहे हैं हम लोग। बनारस में बहुत मजा आया वो सारे ट्रिप्स पे। पार्टी शुड बी जस्ट लाइक 25th मैरिज एनिवर्सरी। हेलो भैया, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, अ हैप्पी गोल्डन बर्थडे। हाय जीपी, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉयिंग योर 50th बर्थडे। विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस फ्यूचर एंड हैव अ मेनी 50 इयर्स कमिंग इन फ्यूचर। थैंक यू। चिड़ियाँ चू चू करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। चिड़ियाँ चू चू करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलछे बोलछे की, हैप्पी बर्थडे टू मी। की बोलछे बोलछे की, हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ जीपी भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी 50वां। वैसे तुमने 2 साल पहले सोचा नहीं होगा ना कि लाइक मेरे ऊपर जब तुमने कमेंट हमारे थे तो तुम भी 50 साल के हो गए, तो मेरे को भी मौका मिलेगा। तो ठीक है, चलो तुम्हें एम्बेरस नहीं करूँगा। पर अच्छा यार, 27 साल हो गए अपने को लाइक दोस्ती किए हुए, और जहाँ तक अपनी यू नो यादें वादे हैं वो तो बहुत सारी हैं। वो पीछे अपना टेलीफोन लाइने ठीक करते थे बैठ के इंटरनेट की, और थोड़े बड़े हुए तो फिर हम लोगों ने वो बाल्टी भर के चाय वाय पीना चालू कर दिया था वहाँ पे, 10th फ्लोर पे। एंड बाद में वो चाय हमने चेंज कर ली थी, मतलब लाइक उसका फ्लेवर व्लेवर फर्मेंट वर्मेंट करके पीने लग गए थे। बट एनीवेज, चाय के तो अच्छे किस्से होते थे अपने। और फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो लाइक ये अपना डिगी कैंपस में जब काम कर रहे थे
तो तुम्हारे वो भी हैं यार, मतलब तुम हाईवे पे सो गए, अच्छा हुआ तुम्हारे एक्सीडेंट भी सिर्फ वहीं पे होते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारे ख्वाबों में ही होते हैं। सो गुड, ऑल द यू नो अगली थिंग्स और बैड थिंग्स और यू नो अनवांटेड थिंग्स शुड हैपन इन द ड्रीम्स ओनली, रियलिटी में ना हो। आई विश यू यू नो दैट। एंड एनीवेज हैप्पी बर्थडे टू यू। पूना आओ, मिलते हैं। ये आई डोंट नो वेदर यू कैन सी, ये जो ऊपर आपको फोटो दिख रही है ना, ये जो ऊपर ये फ्लूट के साथ जो है, जो फ्लूट जहाँ खत्म हो रही है वो फोटो तुम्हारा ही है, तो वो मेरा फ्रेंड सेक्शन है अपने, ये जो अपने वॉल हैंगिंग वगैरह डाली है वो फ्रेंड सेक्शन है, तो उसमें वो तुम्हारा फोटो है, तो तुम आओ और देखो उसको। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। हेलो जीपी भैया, मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे दैट टू द 50th वन। इनफैक्ट यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज पर्सन जिनको मैं भैया बुलाती हूँ, आप और प्रभा भैया। आफ्टर दैट आई डोंट थिंक आई हैव कॉल्ड एनीवन भैया। एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ मेमोरीज। इनफैक्ट शादी से पहले और शादी के बाद इट वॉज ऑलवेज योर हाउस, सच गुड फूड, सच वार्म्थ एंड सो मच फन वी हैड। उन वो दोज डेज वर द बेस्ट। जब आप लोग आते थे हम लोग पूरे सबके मजाक उड़ाते थे, मस्त खाना खाते थे और खूब टाइम पास करते थे। इट वॉज लाइक रियली केयर फ्री टाइम, बेस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड आई थिंक अभी अब तो सब 50 के हो गए, अब आई थिंक वी शुड कम बैक टू दैट सेम एनवायरमेंट, फिर मस्ती मारो, खूब खाओ पियो, ऐश करो। और 50 पार्टी चाहिए मेरे को आपसे, ठीक है? तो अभी बस काम करना शुरू कर दो, आप कहाँ जहाँ दे रहे हो आप बताओ। एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, फिर मिलते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल। ज्ञान प्रकाश सिंह, कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी। वाह मेरे जीपी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, 50 साल, हार्दिक शुभकामनाएं, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार बहुत याद आती है यार, सच्ची। वो पुरानी बातें हैं, वो होली पे बाहर निकल के डांस करना, और जब हमारा कारपूल चला करता था उसमें, जब राय साहब बैंक में जाते थे रास्ते में तो सनी बहुत चिढ़ा करता था मुझे जब भी ये याद आता है तो बहुत हंसी आती है। और एक और इंसिडेंट याद है, जब मिंटी की शादी में सुबह सुबह 8 बजे हम लोग जूहू तारा की रोड पे डांस कर रहे थे। भाई कभी किया है सुबह सुबह डांस? शादियों में तो रात को ही डांस होता है ना। बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और जो होली पे हम कितने क्राइम्स हमने एक साथ किए हैं, वो सारी बातें तो वीडियो में बता नहीं सकता ना, है ना? ये तो पब्लिक वीडियो है भाई अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, रियली मिसिंग यू। और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं, फिर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। लव यू अलॉट, टेक केयर। हाय जीपी, तुम्हारे 50वें सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू आर वन ऑफ द पर्सन हु इम्प्रेस्ड मी अलॉट। तुम्हारा शांति से हर एक सिचुएशन को हैंडल करना, यू हैड इन बिल्ट कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द टॉप मैनेजमेंट विद ईज। यू हैव बीन वेरी ग्रेट फ्रेंड and a coach and a mentor and everything I can say. All the very best for your second inning is the next 50 years and have a great time. Hi GP, wish you happy birthday. I wish you success, health and happiness on your special day. Stay blessed. Dear GP, wish you very happy 50th birthday. Wishing you good luck, good health and success in every walk of your life. May all your dreams come true this year. Happy birthday once again. Hi GP, wish you a very very happy 50th birthday. Let me share at this moment that you are one of the few people who I met in life who is absolutely cool and absolutely calm in all kinds of situations. So great going, buddy. Wish you all happiness and health in this world.
for the year ahead and for many years ahead. Once again, wish you a very, very happy birthday. Have fun. Enjoy. Thank you. Hi, boss. Good evening. Many more happy returns of the day. God bless. Happy birthday, boss. Thank you for always being there. And mere jaise ko jhelne ke liye, thank you. And always supporting. Be always smiling as you are. Your support means a lot to everyone. Thank you, boss. Once again, happy birthday, boss. The golden year and many more golden years to go. Miss you. See you soon. Hi, boss. Wish you a very, very happy birthday. This birthday is special because this is your 50th birthday. So, इस साल आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए और हम सब लोग एक बार फिर से एक साथ काम करें और खूब सारी मस्ती करें. थैंक यू बॉस. आई जी पी सर, होप यू डूइंग वेल टुडे. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. सिग्निफिकेंट दैट यस्टरडे वाज गुरु पूर्णिमा. वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट यू एज अ मेंटर एंड अ गाइड. You've been a natural leader because you led by example. One trait of yours that I've always tried to imbibe in life has been the way you interact with everybody, irrespective of his standing in the society, with genuineness, honesty, and humility. Thank you for being such an inspiration. Wish you a very happy birthday once again. Happy 50 years, and may you have this day coming back again and again for years to come. Thank you, sir. दिमाग तो सर का ही रहता है यार हमेशा ये सब चीज में. वो याद है माइलस्टोन? अरे मैं भूल सकता हूँ बॉस, कपड़े उतरवा के मेरे को खड्डे में उतरवा दिया था सर ने. कुछ तो करना पड़ेगा यार. अभी तू बेटा यार, तू सोच ना जल्दी, कुछ तो क्या पसंद है उनको. मुझे तो सोतेला कर दिया. सगे वाले को पूछो, मुझे तो सगे वाला है किधर? पता नहीं किधर है सगा वाला. मैं यहाँ पे हूँ. भूल गए थे मुझे. मुझे कैसे भूल सकते हो आप लोग, जब आपको पता है कि जीपी सर का कौन है सगा. पता है ना? तो मैं जस्ट कैनेडा के चला गया तो आप लोग तो मुझे भूल ही गए. दिस इज नॉट डन बॉस, नॉट डन. यार वो सारी चीजें तो अपने को नहीं आती. द वन थिंग विच आई नो जो हम कर सकते हैं क्या ये प्रिय बेटा ज्ञान प्रकाश, आपके 50वीं जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. अपने बीमार पिता की जिस तरह आप सेवा कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, यह सराहनीय है. लगातार 2 वर्षों से लगे हुए हैं और
डटे हुए हैं बीमारी को ठीक करने में। भगवान सफल करेगा आपके साथ, आपका परिवार, पत्नी नीता सिंह, बेटी नियति और सबसे अधिक पुत्र सुशांत, जो हमेशा हमारे साथ साए के साथ लगा रहा, हर सुख दुख का साथी रहा, पिछले 2 वर्षों से साथ में लगातार लगा हुआ है, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ में आपके भाई वेद प्रकाश सिंह और अर्तागनन अनुजा, इन सबको भी साथ लेकर आप चले, इसके लिए आपकी सराहना करता हूँ। आपने अपने ससुराल राय साहब का परिवार, रानू के ससुराल के परिवार की शुभकामनाएं प्राप्त की, इसके लिए भी आपके प्रयास की प्रशंसा। पत्नी पद्मावती सिंह को भी समय समय पर समझाते रहे, ये बहुत बड़ा काम था, इसके लिए तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आपके हमारे बड़े भाइयों के परिवार को भी साथ में रखा, उनकी शुभकामनाएं भी साथ रहीं, ये सब सब आपके प्रयास के कारण हुआ। आपके पड़ोसी सक्सेना जी, उनका परिवार से, और बहुड़ा जी उनका परिवार, शेख साहब, जितने लोगों ने आपको संबल दिया, सहारा दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके 50वीं वर्षगांठ पर दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। जीवेत सरदस सतम, सफल सुखद स्वस्थ लंबी आयु की कामना करता हूँ, और सफल कैरियर की कामना करता हूँ। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, और धैर्यपूर्वक सबकी सेवा करते रहें। बाकी सब ईश्वर के अधीन है। हान लाभ जीवन मरण ये सब ऐसे विधियात सब ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर सब भला करेगा, जो करेगा सो भला करेगा। धन्यवाद।